रुद्राक्ष रुद्राक्ष का पेड़ बॉटनिकल नेम रुद्राक्ष का पेड़ ये रुद्राक्ष का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग आइडिया में। और दोस्तों आज हमने एक नई समिति बनाई है जिसका नाम है नवकुंज समिति। इस समिति का उद्देश्य है कि हमारे चारों ओर वनस्पति, पेड़ पौधे, औषधीय पौधे और पर्यावरण संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस तरह के जितने भी हमारे पर्यावरण को बचा सके सारे कार्य हमारे संस्था के द्वारा किए जाएंगे। और आज हमने अपने इस संस्था के माध्यम से कुछ स्कूली बच्चों का अपने इस फार्म में विजिट कराया है, जिसमें इन बच्चों को हमने औषधीय पौधों के बारे में, एसेंशियल पौधों के बारे में बताया गया है। और इसके बीज देखो, बीज लग रहे होंगे, सारे बच्चे नोट कर रहे हैं। हाँ सर, गर्मियों में क्या होता है, देखो तो पीएच में मरोड़ सी होती है, तो एक ढंग से नहीं होती, मरोड़ सी दरअसल एक्शन सी। अगर इसका बीज का स्वरस बना के हम पी लें तो सारी समस्याएं से हमें निजात मिलती है। ये इतना पावरफुल प्लांट है, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका काट काट के डंगों को चारा दे दे के सब विनाश कर दिया। कहीं ये प्लांट किसी घर में मिलेगा नहीं आपको। और दोस्तों हमारा उद्देश्य है कि हर मेडिसिन प्लांट के बारे में हर कोई जाने, खासकर हमारे स्कूली छात्र छात्राएं, कॉलेज के छात्र जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र अभी साइंस के स्टूडेंट हैं, सबको मालूम हो कि मेडिसिन प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, एसेंशियल प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। स्कूल कॉलेज में वो पढ़ाई करते ही हैं, साथ में अगर हमारे फार्म पर विजिट करते हैं तो उनको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, एक प्लांट देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी हम प्रैक्टिकल के साथ साथ यहाँ पर उनसे ये प्रोसेस भी करवाते हैं, जिससे उनको अच्छा नॉलेज गेन हो सके। अभी हम अपने संस्थान पर जैसे जीवामृत बनाना, फिनाइल बनाना, ये भी बच्चों को सिखाते हैं। धीरे धीरे हम यहाँ पर एक डिस्टिलेशन प्लांट भी लगा रहे हैं, जिससे बच्चों को बताया जा सके कि घास घास से, ये नींबू घास से तेल को कैसे निकाला जाता है। सारे प्रोसेसिंग हम यहाँ पर करेंगे अपनी इस यूनिट पर। आप ज़रूर एक बार हमारे इस फार्म में आएँ, विजिट करें और देखें कि हमने कितनी मेहनत से पेड़ लगाए हैं और इनका फ़ायदा हमारे आने वाले नवयुवक बच्चों को भी मिलता रहे। जो प्रोसेस हो रहे हैं कॉस्मेटिक में यही खेल है और कुछ नहीं है। ये गाय का गोबर ये रखा हुआ है, गौमूत्र, गुड़ और बेसन और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, इन चीज़ों से ये हमको बनाया जाता है। मेरे 200 लीटर का जो हम बनाते हैं यहाँ पर छिड़काव करते हैं, उसका फॉर्मूला भी सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आज हम प्रैक्टिकल अगर करना है तो इसका बनाते हैं। और इसको बनाने के बाद क्या है कि हमको 7 से 8 दिन तक रखना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमको ये जो ये हम बना रहे हैं कि बेचना ही है। हमारे घर में गमले भी हैं, हम छोटी सी कारी में सब्जी भी लगा रहे हैं। कभी इसको यूज करके देखना, आपका जो प्रोडक्शन होगा सब्जियों का उससे कितना गेन मिलता है इसे लगाने से, बशर्ते उसमें यूरिया DAP ना पड़ा हो। तो इसलिए हमारे जीवामृत बहुत ज़रूरी है। इसका प्रैक्टिकल करने में ये सब स्टेप बाय स्टेप हमें मिलाना है। सबसे पहले पानी लेना है, फिर गोबर मिलाना है, गोबर के बाद गुड़ को बिल्कुल महीन पीसना है, घुल जाए। और आज की इस विजिट की कुछ यादें, कुछ छायाचित्र अपने चैनल के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। बच्चों की आज खुशी, कितना इन्होंने एंजॉय लिया हमारे इस फार्म पर। और हम सहृदय धन्यवाद करते हैं सभी गुरुजनों का जिन्होंने इतना प्यार हमारी टीम को दिया और अच्छे से बारीकी से हर बच्चे को बताया। और धन्यवाद करते हैं
अखिलेश चमोली जी का, जिनके माध्यम से ये सारा अरेंजमेंट हो पाया है। दोस्तों आगे भी हम और अच्छे अच्छे इवेंट कराते रहेंगे अपने इस छोटे से फार्म में। आप एक बार हमें सेवा का मौका ज़रूर दें और फार्म विजिट कराएं और इसका नॉलेज गेन की करें और औषधीय पौधों का अपने घर में लगाएं और स्वस्थ रहें। अगर अभी पढ़ोगे अच्छे से मन लगा के, तभी आप जिस लाइन में आपको फील्ड में जाना होगा वही करोगे। अगर आप अभी सोचोगे लाइटली कि नहीं हमें नहीं पढ़ना, तो ये समय आपका सामान रखना है, पेरेंट्स का अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है ना, वो इसी से होगा। आप पढ़ोगे, वॉकिंग उठना है 4 बजे, है ना, टाइम टू टाइम अपना खाना वाना सब करना है।